हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिगारो ऑयल, जैतून के ऑयल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको पूरी देखनी चाहिए ताकि आपको जैतून के तेल फिगारो ऑयल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मेरा नाम है विवेक राजपूत और आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ फिगारो ऑयल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग चाहते हैं कि जो बच्चे जो होते हैं आप लोग के, उनकी आप किस तरीके से मालिश कर सकते हैं? देखिए, आज मैं आपको फिगारो ऑयल के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। ये किस तरीके से बच्चों की जो मालिश होती है, हाथ पैरों की हड्डियाँ जो होती हैं, बोन जो होती हैं, उनको मजबूत करने में मदद करता है और किस तरीके से हेल्प करता है उनको ग्रो करने में उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। दो दोस्तों, आप वीडियो एंडिंग से देखिएगा ताकि आपको फिगारो ऑयल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, फुल डिटेल जानकारी मिल सके, किस तरीके से इस्तेमाल करना, किस तरीके से मालिश करनी है, हर एक चीज़ आपको पता चल सके। देखिए, ये है फिगारो ऑयल, जो कुछ इस टाइप को देखने के लिए आपको मिलता है। इसकी MRP की बात कर ले तो यहाँ पे इसकी MRP लिखी हुई 179 रुपीज़ इस पर MRP है। ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, नीचे एक्सपायरी डेट इस पर लिखी हुई है। देखिए, मेन जो फिगारो ऑयल जाता है, ऑलवी ऑयल होता है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिगारो ऑयल जो है आपको बच्चों की मालिश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों की मालिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के हाथ पर दर्द करते हैं, जॉइंट पेन करते हैं, कहीं पे भी दर्द होने लगता है कहीं पे, वो उस जगह पे मालिश कर सकते हैं। इस तेल को आप हाथ में लेकर अच्छी तरीके से, और जैसे मसाज करते हैं उस तरीके से आपको अच्छी तरीके से मसाज करनी है। और अगर आप इसके और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा गर्म करके और इसकी मालिश करेंगे थोड़ा सा कुनकुना करके, तो आपको इसके और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बच्चों में आपको गर्म करके बिल्कुल भी नहीं करना है मालिश, आप इसकी डायरेक्ट इसी तेल से मालिश करिएगा तो बच्चों को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी हाथ पैरों में, जोड़ों में, उनके जो बॉडी है वो अच्छी मजबूत हो जाएगी। और आप बड़ों के किसी के हाथ पैर दर्द करते हैं, जॉइंटों में दर्द रहता है, तो उनको थोड़ा सा इसको कुनकुना करके और फिर उससे आप मालिश करेंगे तो बिल्कुल जॉइंट का पेन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है इससे। इससे अच्छी चीज़ नहीं है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अगर आप इससे मालिश करेंगे पूरी बॉडी की, बड़े की भी कर सकते हैं आप और बच्चों की भी कर सकते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है इससे। आपके शरीर में कोई भी बीमारियाँ चलती रहती हैं ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से हर एक बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली, कुछ मदद मिली हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।